नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ओला पीड़ित किसानों को मिला 9 लाख का मुआवजा, 164 किसानों को राहत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की बेलगना तहसील के 4 गांव के 164 ओला पीड़ित किसानों को राज्य सरकार द्वारा 9 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है। राज्य शासन के नियमों के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण 33% या उससे अधिक फसल नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर SDM युगल किशोर उर्वशा ने कोन चगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में होगी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो स्वयं को सकारात्मक भूमिका देने में अहम योगदान कर सकती हैं। जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से आज भारत देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में है। विकसित भारत बनाने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहाँ की माताओं और बहनों का बड़ा योगदान रहने वाला है। विष्णुदेव साय में सुशासन का असर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के हितग्राहियों को मिला लंबित भुगतान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन से विभागों के रुके कार्यों का यशस्वी निराकरण किया जा रहा है। साय सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का समय पर निराकरण होने से आम जनता को उचित न्याय मिल रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री OP चौधरी ने बताया कि उन्होंने CM साय की मंशा अनुरूप लंबे समय से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत हितग्राहियों के लंबित भुगतान के लिए धनराशि वापसी के निर्देश दिए हैं। भाजपा की तिरंगा यात्रा से छत्तीसगढ़ में चारों ओर भारत माता के नारों की गूंज। भाजपा की तिरंगा यात्राओं ने छत्तीसगढ़ के माहौल को पूरी तरह देशभक्तिमय कर दिया है। छत्तीसगढ़ भारत माता की जय के जय घोष और नारों से लोगों में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को लेकर उत्साह का संचार हो रहा है। भारत तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर के तिरंगा चौक में संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। 4% महंगाई भत्ते का तोहफा जल्द है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाने का मुंह खुलने वाला है। महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। कयास लगाया जा रहा है कि सरकार रक्षाबंधन से पहले भत्ते को लेकर ऐलान कर सकती है। दरअसल कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री OP चौधरी से मुलाकात की थी। इस दौरान मंत्री OP चौधरी ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा। CM साय रायपुर और डिप्टी CM अरुण साव बिलासपुर में करेंगे ध्वजारोहण। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में 9:00 ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय में, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य अतिथियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। 10 प्लेटफॉर्म वाला जोन का पहला स्टेशन बनेगा बिलासपुर। जोनल स्टेशन में अब प्लेटफॉर्म की कमी से ट्रेनों के पहिए यार्ड में नहीं रुकेंगे। रेल प्रशासन यहां 2 नए प्लेटफॉर्म बना रहा है। आधा काम पूरा हो गया है। फुट ओवर ब्रिज से यात्रियों के उतरने के लिए रैंप भी बन रहा है। इसका लोहे खांचा तैयार भी हो गया है। जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद इस स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। जोनल स्टेशन होने के कारण यहां सुविधाओं का विस्तार भी उसी तरह किया जा रहा है। जेलों में राखी का त्यौहार मनाने को लेकर असमंजस। प्रदेश की जेलों में राखी त्यौहार के अवसर पर होने वाले आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए जेल DG राजेश मिश्रा ने सभी जेल अधीक्षकों और जेलरों से सुझाव मांगा है। इसमें आयोजन के दौरान कैदियों को राखी बांधने के लिए आने वाली उनकी बहनों और परिजनों की संख्या, आयोजन पर होने वाले व्यय, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही अन्य जानकारी देने को कहा गया है। इसका ब्यौरा मिलने के बाद आयोजन करने का निर्णय लिया जाएगा। जेल DG ने बताया कि सभी जेलों से सलाह लेने के बाद विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार का बड़ा फैसला, शासकीय विभागों के सेटअप में जल्द करेगी बदलाव। राज्य शासन ने अपने शासकीय विभागों के सेटअप में बदलाव का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने समिति गठित की है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे का फैसला लेगी। सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है। इनमें से अधिकांश के सेटअप राज्य गठन के बाद से पुनरीक्षित नहीं किए जा सके हैं। जबकि प्रदेश की आबादी हर साल बढ़ रही है, वहीं खास बात तो ये है कि अधिकांश विभागों में जो सेटअप मंजूर है उसके अनुसार विभाग में नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। किडनी के मरीजों को बड़ी राहत, इन जिलों में हो रहा निःशुल्क डायलिसिस। जशपुर जिले के 2 सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की निःशुल्क व्यवस्था है। आपको किडनी के उपचार के से संबंधित डॉक्टर के पर्ची के अतिरिक्त सिर्फ आधार कार्ड लेकर इन केंद्रों में पहुंचना है और निःशुल्क डायलिसिस कराकर वापस घर चले जाइए। ये सुविधा जिला मुख्यालय जशपुर की राजा देव विश्वरण जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थल गाँव में संचालित किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष, जिला चिकित्सालय में संचालित डायलिसिस केंद्र की शुरुआत वर्ष 2021 में किया गया था। इस केंद्र में अब तक 82 मरीजों का 11,203 साइकिल डायलिसिस किया जा चुका है। बारिश में बिगड़ा आम आदमी का बजट, सातवें आसमान पर चढ़ी सब्जियों की कीमत। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी संजय बाजार में इन दिनों सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर हैं। लगातार बारिश और आवक कम होने के चलते सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब्जियों की कीमत पिछले कुछ समय से बढ़ती ही जा रही है, जिससे अब गरीबों की थाली में इसका असर देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक सब्जियों के दाम इसी तरह रहेंगे। साल भर भी नहीं टिक पाई इस्पात नगरी की फ्लाईओवर। 296 करोड़ रुपए खर्च कर भिलाई वालों को मिला गड्ढों वाली सड़कें। इस्पात नगरी भिलाई की चारों फ्लाईओवर ब्रिज की अनियमितता अब सामने आ रही है। निर्माण शुरू हुआ और बीच में कोरोना काल के कारण निर्माण की गति बहुत धीमी रही, जिसे 2 साल में बना कर देना था, लेकिन पूरे 5 वर्ष लग गए। जब से जनता धूल, गड्ढे और उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते रहे, तब लोगों का कहना था कि थोड़ी दिन के लिए परेशानी हो रही है, जब निर्माण पूरा हो जाएगा तब राहत मिलेगी। लेकिन मुंबई से कोलकाता NH 53 पर चलने वाले वाहन चालकों पर ये उम्मीद टूटने लगी है। मिनिस्टर टंकराम वर्मा ने दस्तक अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का किया शुभारंभ। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार जिले में नवाचार के रूप में दस्तक अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बटन दबाकर किया। अभियान के तहत प्रत्येक गाँव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो माह के प्रथम सप्ताह गाँव का निरीक्षण एवं लोगों से चर्चा कर योजनाओं एवं समस्याओं की जानकारी लेंगे। 15 अगस्त 2024 रायपुर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश भर से आमंत्रित वरिष्ठ नागरिकगण, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं एवं भारी संख्या में आम दर्शकों की काफी भीड़ होने की संभावना है। इस दौरान परेड में सम्मिलित होने वाले आगंतुकों के वाहनों के लिए निम्नानुसार पार्किंग व्यवस्था किया गया है। छत्तीसगढ़ के IED बम ब्लास्ट से मची अफरा तफरी, गाय चराने गई आदिवासी महिला की मौत। छत्तीसगढ़ की सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां IED बम ब्लास्ट होने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस हादसे में एक आदिवासी महिला की मौत होने की खबर सामने आ रही है। महिला अपने घर से गाय चराने के लिए जंगल की ओर गई थी। नक्सलियों द्वारा प्लांट लगाए गए बम के ब्लास्ट होने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र के लोग आवाज सुनकर भागते हुए आए, जिस दौरान उन्होंने देखा कि ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब हाईटेक होगी पुलिस, फॉरेंसिक साइंस ब्रांच खोलने की तैयारी, गृह मंत्री का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के ने दंतेवाड़ा के पत्रकारों की गिरफ्तारी पर जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के पत्रकार रेत माफिया की मनमानी के कवरेज के लिए गए थे, लेकिन उल्टा पुलिस ने ही 4 पत्रकारों पर गांजा तस्करी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर डिप्टी CM एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बारे में उनकी IG से बात हुई है। IG ने संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों से चर्चा की है। ये जांच का विषय है, लेकिन यदि पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को दी मंजूरी।
हाल के वर्षों में बाघों की संख्या में गिरावट के कारण छत्तीसगढ़ ने 7 अगस्त को एक नए बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य के साथ एकीकृत करता है, बड़ी बिल्लियों के लिए छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व है। ये राजस्व के 4 उत्तरी जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की खेती से अब दीदियों को मिलेगी अतिरिक्त आमदनी। फूलों की खेती छत्तीसगढ़ समाचार। फूलों का उपयोग अपने घर, मंदिरों, शादी एवं सजावट सहित अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। फूल श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। अपने घरों के बगीचे, गार्डन, गमलों में भी अलग अलग फूल लगाए जाते हैं। सुबह सुबह सुंदर और सुगंधित फूल देख कर मन आनंदित हो जाता है। फूलों की खेती छत्तीसगढ़ समाचार। फूलों का उपयोग अपने घर, मंदिरों, शादी एवं सजावट सहित अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। फूल श्रद्धा और भगवान का प्रतीक है। अपने घरों के बगीचे, गार्डन, गमलों में भी अलग अलग फूल लगाए जाते हैं। सुबह सुबह सुंदर और सुगंधित फूल देखकर मन आनंदित हो जाता है। हाथी मेरे साथी छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट एलिफेंट पर चल रहा काम, बढ़ेगा कुनबा तो मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ हाथी दिवस बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है। हाथी दिवस पर प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम हुए। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य हाथियों का संरक्षण और सुरक्षा करना है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों की चहल पहल देखी जाती है। गरियाबंद जिले की बात करें तो इस जिले में उदंती सीता नदी अभयारण्य है। यहाँ पर हाथियों के आने से कई बदलाव हुए हैं, जैसे यहाँ पर ग्रासलैंड का इलाका काफी ज्यादा बढ़ गया है। रक्षाबंधन त्योहार से पूर्व 72 ट्रेनें रद्द, 22 के बदले गए रूट। एक बार फिर त्योहारी सीजन में रेलवे ने रक्षाबंधन पर्व से पहले यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। इससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारी संख्या में रक्षाबंधन पर बाहर पर्व मनाने के लिए जाना होता है। बता दें कि रेलवे ने रक्षाबंधन से पहले ही छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 72 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के राजनांदगांव और नागपुर रेलवे स्टेशन के बीच भारतीय रेलवे तीसरी लाइन बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2 आईपीएस अधिकारियों का बदला प्रभाव, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों के प्रभाव में बदलाव किया गया है। 1992 बैच के आईपीएस अरुणदेव गौतम की पुलिस विभाग में वापसी हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाकर उन्हें महानिदेशक नगर सेना, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं पदस्थ किया है। वहीं 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी नीता चंपावत को महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इन 12 जिला पंचायतों का होगा पुनर्गठन, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के 12 जिला पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। विभागों के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से 5 अगस्त को जारी इस अधिसूचना में आम लोगों से 10 दिनों में दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। बता दें कि जिला पंचायतों का पुनर्गठन प्रदेश में बीते 5 वर्षों के दौरान 6 नए जिलों के गठन की वजह से किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिवक्ता विभू दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस नियुक्ति की जानकारी दी और नए न्यायाधीशों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद संविधान द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, नक्सल सांठगांठ को लेकर कह दी ये बात। पावन माह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मध्य प्रदेश के अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के ज्वालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने जैन मंदिर, नर्मदा मंदिर, ज्वालेश्वर महादेव मंदिर सहित मृत्युंजय आश्रम में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। पूजा के बाद यहां उन्होंने मीडिया से बात कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चिंता न करें किसका किसका नाम नक्सल सांठगांठ में आया है। जिनका जिनका नाम नक्सल सांठगांठ में FIR में दर्ज होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि जितना लोग युद्ध में मारे गए उससे कहीं ज्यादा लोगों को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मार दिया।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश में ढाका के सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस बीच देश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा, मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफ़ी मांगता हूं। हम अशांति के दौर से गुजर रहे हैं, पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।